Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है हमेशा की तरह कि आप लोग शाद और आबाद रहें। जी हाँ, आज मैं आपको घुमाने वाली हूँ जश्न बहारा जो है वो स्टार्ट हो गया फैब में, तो यहाँ पर बसंत मेला भी लगा हुआ और मैं मौजूद हूँ फेडरल पीक एरिया ब्लॉक 19 में, जहाँ पर जो ये फेस्टिवल जो है इन्होंने अरेंज किया है और अभी इसके अरेंजमेंट जो है वो चल रही है, लेकिन असल जो इसका मकसद है ना वो है जश्न बहारा, इनके बहार को सेलिब्रेट किया जा रहा है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी पतंगे, यहाँ पे बसंत जो मेला है वो भी लगेगा। 10 फेब का था और 10 फेब में जो है ना ये जो यहाँ पे फैमिलीज आई हुई इन्जॉय करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम बड़ी जगहों पे जाएं और मतलब जो है ना उन जगहों पे बच्चों को लेके जाएं, और आजकल का जो, मैं आपको फिर बार बार कहती हूँ कि आजकल का जो माहौल है ना उसमें ज़्यादा हमारे अब वो जो है ना वो चीज़ें नहीं रही है कि हम जो है ज़्यादा पैसा खर्च कर सकें। जो आजकल के हालात चल रहे हैं उसमें जो है जैसा है उसमें जो है ना खुशी को इन्जॉय करें और अपने बच्चों को भी इन्जॉय करवाएं और उन्हें ये चीज़ें ज़रूर दिखाएं कि फेस्टिवल कैसे लगते हैं, मेला कैसे लगता है, क्योंकि हमने भी अपने बच्चों बचपन में ये सब चीज़ें बहुत इन्जॉय की है। तो मैं भी बच्चों को लेकर आई हूँ, इन्जॉय करूँगी और आपको भी दिखाऊँगी यहाँ पर क्या क्या मौजूद है, तो मेरे साथ रहिएगा। हमारे साथ फेस्टिवल इन्जॉय करने कौन आया? सुलेमान, मीसम और शाने। हाय करते हैं मीसम शाने को। अच्छा ये बताया आप लोग को यहाँ पर ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि जब हम पार्क वार्क जाते हैं वो यहाँ पर ज़्यादा मज़ा आ रहा है? यहाँ पर क्यों मज़ा आ रहा है वजह बताओ। फेस्टिवल में आप लोग फर्स्ट टाइम आए हो ना, आप लोगों को कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना? तो चलो फिर आगे चलते हैं और फिर देखते हैं फिर क्या है। सही, मैं अभी आपको दिखा रही थी कि यहाँ पर जो ना पीछे काइट्स का स्टॉल है, पतंगे, और यहाँ पर जो ना बहुत बड़ी बड़ी काइट्स हैं। मैं देख रही हूँ कि बहुत बड़ी और अच्छी और खूबसूरत पतंगे मौजूद हैं। जैसे कि मैं अभी आपको बता रही थी कि यहाँ पर जश्न बहारा में जो है ना वो बसंत मेला जो है ना वो लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो है ना वो पतंग फेस्टिवल भी है। तो हम भाई से पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप? अच्छा जी, आप मुझे बताइए कि भाई हम सुनते हैं गुड्डे वगैरह भी होते हैं जो बड़े बड़े होते हैं उड़ते हैं, और मैं यहाँ देख रही हूँ आपके पास बड़ी खूबसूरत जो है वो पतंगे मौजूद हैं, तो आप मुझे बताएंगे जो सबसे बड़ी जो आपकी पतंग है वो कौन सी है यहाँ पर? लाहौरी गुड्डा पंजाब में उड़ाया जाता है। तो अच्छा, तो ये जो है वो उसके क्या प्राइस है? 200 रुपये का है। अच्छा, मतलब आपके पास वो ये जिस तरह की ये मौजूद है चरखी और ये जो है, तो ये इस तरह तो नहीं है कि नुकसान हो, जैसे कहते हैं कि नुकसान हो जाता है अक्सर के भाई? हो जाता है, वो कहने वाली बात है, नागानी होती है जी। सही है, वैसे अपने कहने में बंदा अगर सही जगह पे उड़ाए, रोड की जगहों पे ना उड़ाए, बिल्कुल जैसे ये खुला है पूरा, तो यहाँ पर खुला एरिया में ग्राउंड हो, मैदान सही वहाँ उड़ाए जाए सही। अच्छा, ये फेस्टिवल कब तक लगा हुआ है बताएंगे आप? अभी लगेगा और 20 दिन तक, ठीक है जी, सही। तो आज जैसे आपने लगाया हुआ था, लगा हुआ बाहर के 10 फरवरी का है बसंत का, तो आज हुआ कुछ बसंत वगैरह का? ये अभी तक नहीं हुआ या आज स्टार्ट हुआ है? अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही, ठीक है। हाँ शाम के टाइम पे ही अच्छी लगती होती, चलिए ठीक है, थैंक यू। अच्छा भाई, फेस्टिवल और मेला जो होते हैं ना उनकी जो जान होती है ना वही वो ये चीज़ें होती हैं जिसमें लगा हुआ है, गोलगप्पे भी लगे हुए हैं, चाट भी लगी हुई है, बड़े मज़ेदार सी हैं। मैं आपको दिखाती हूँ इनकी जो चाट है ना वो भी है, और इसकी जो फुल्कियाँ हैं ना वो बहुत बड़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप? ठीक है, ये इतने बड़े पकौड़े हैं आपके, इसके अंदर कौन सी चाट है? ये मीठी है? मीठी चाट है, मीठी नहीं है, स्पाइसी, मतलब वो जो चाट के साथ आप बनाते हैं वही वाली है, ठीक है। तो आप आए हुए कल से, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? सही है, मतलब अभी आगे कल हो सकता है ज़्यादा रश हो, सही है, ठीक है ठीक है, थैंक यू। चले भाई हम आगे चलते हैं, और एक बड़ी ज़बरदस्ती मुझे जो ना चीज़ नज़र आई है, वो चीज़ नज़र आई है मुझे, मैं भी आपको दिखाती हूँ। अच्छा भाई, यहाँ पर मेले में जो मज़ेदार सी चीज़ नज़र आई है जो कभी भी नज़र नहीं आई, आज मैंने फर्स्ट टाइम देखी, क्योंकि मेले वगैरह का जो वो कहते हैं ना एहतमाम, जो चीज़ शुरू हुई है, ट्रेंड शुरू हुआ है, वो पंजाब साइड की साइड से ही होता है। गांव वगैरह में ये मेले वगैरह लगते थे, लेकिन अब जो है ना वो शहरों में भी लगने शुरू हो गए। बड़ा मज़ा आता है, मुझे तो हर चीज़ें मज़ा आता है, में स्पेशल चीज़ें यहाँ पर नज़र आई है वो मुझे नज़र आएगी। मैंने आपको दिखाया कि पंजाब की सौगात सरसों का साग और मकई की रोटी, जो सिर्फ हमें गाँव में ही खाने को मिलती है, यहाँ पर भी बनती है, लेकिन वो वाला मज़ा नहीं आता जो क्या गाँव में खाने का मज़ा आता है। तो अंकल से पूछते हैं हम, गाँव का ही मज़ा आएगा गाँव का। अच्छा, आप यहीं पे रहते हैं आप लोग?
तो आप कैसे, आपको वो ख्याल आया कि भाई हम जाते हैं मेले में और फिर जाने के बाद जो ले लगाते हैं? अक्सर जो है पंजाब आना जाना होता है। अच्छा, पंजाब आप जो बिलोंग करते हैं वो पंजाब से ही करते हैं? सही है, ठीक है। तो हम दिखाएंगे, अंकल अपना साग दिखाएं आप। हाँ भाई, ज़बरदस्त सा साग। और ये रोटी, रोटी भी दिखाएँ आंटी। आपने बनाई मक्के की रोटी और साग भी आपने बनाई है? अच्छा, आप मतलब अंकल का भरपूर साथ देने वाले आएंगे कर भाई साथ में? सही है। वाह, ये देखेंगे मकई की रोटी, और नरम भी है, नरम है बहुत। हाँ नरम है। अच्छा, यहाँ पे ना आप आंटी से पूछते हैं कि आप आंटी कुछ कहना चाहेंगे कि जैसे मियाँ बीवी साथ मिलकर काम कर रहे होते हो तो कितना ज़रूरी होता है बीवी का साथ मिलकर? अच्छा होता है ये कि हमारी बेटी है देखिए। अच्छा। आप बिल्कुल, ये देखिए हम लोग बोलते हैं कि मियाँ बीवी को एक साथ चलना चाहिए। देखिए अंकल आंटी एक साथ मेहनत कर रहे हैं, और किस लिए कर रहे हैं कि इनकी बेटी की शादी का भी आपकी का कर दिया है रुखसत ही देना दिसंबर। अच्छा, दिसंबर में रुखसत ही करना है। दुआएं कर लगा जल्दी से इंतजाम करते हैं और आपकी बेटी की अच्छी तरीके से शादी हो जाए। बहुत शुक्रिया कि आपका। चलिए भाई, हो गया बिल्कुल ओपन स्पेस मिल गया बच्चों को। ये देखें आप किस तरह से ये खेल रहे हैं, और मैं बोलती हूँ कि खुली जगह पे बच्चों को ज़रूर लेकर आना चाहिए। बच्चों के लिए वीक में एक दफ़ा जो है ना वो इन्जॉय करना बहुत ज़रूरी है, और बच्चे गए हैं यहाँ पे तो हम भी इन्जॉय करते हैं बहुत। आप क्यों आ गए, आप किस खुशी में आए आज? आप बच्चे क्या इसमें, आप बताएं इस फेस्टिवल में क्यों मज़ा आता है? नहीं, आपको नहीं लगता कि हम हाँ कल्चर और इसमें ज़्यादा हम इन्जॉय करते हैं? तो ठीक है, हम आगे चलते हैं और फिर आगे भी आपको और चीज़ें दिखाते हैं। लोग मुख्तलिफ़ किस्म के गेम्स भी खेल रहे हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे भी देख के ना। तो ये देखेंगे, ये जो है ना गेम है, ये वो वाला गेम है आई थिंक के रिंग रिंग वाला, के जिस पर रिंग चला गया तो वो जीत जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ, रुक जाए। अच्छा भाई, ये देखेंगे इन्होंने सामने ना वो गिफ्ट रखे हुए, वो ये रखे हुए खाने पीने की सारी चीज़ें, और ये देखेंगे लोग ये। प्ले एरिया में उन्होंने अच्छी खासी राइड्स लगाई हुई हैं, बहुत सारी राइड्स हैं बच्चों के लिए जो उन्होंने लगाई हुई हैं यहाँ पर। ये देखेंगे जो छोटे बच्चे बड़े बच्चे सब इन्जॉय कर सकते हैं। और ना ये आप देखें सामने जो कश्ती है, इससे मुझे हमेशा से डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि हम इसमें बैठेंगे ना तो गिर जाएंगे। मैं सारी राइड्स इंजॉय कर लेती हूँ लेकिन इस कश्ती में नहीं बैठती, क्योंकि एक तो ना मुझे इसकी जो आवाज़ आती है ना वो एक चिर चिर से जो आवाज़ आती है उसमें मुझे बहुत डर लगता है। उन्होंने जो है ना वो एक हर एरिया को जो है ना वो डिवाइड कर दिया, और यहाँ पर जो उन्होंने एरिया डिवाइड किया वो किया है बच्चों की राइड्स हैं यहाँ पर, और जंपिंग लगी हुई है इसके अलावा, और बहुत सारी राइड्स लगी हुई हैं बच्चों की जो क्या कहते हैं ना वो बच्चे बोर भी नहीं हो और इन्जॉय कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये वाली जंपिंग मिल गई है, और मीज़म सुलेमान और शान है जो ना वो तीनों अंदर चल गए। ये देखे मज़ा आ रहा है। मैं यहाँ से जाके बनाती हूँ। ओए ओए मज़ा आ रहा है। सुलेमान मज़ा आ रहा है सुलेमान। इसके टाइमिंग मैं आपको बता दूं कि सुने कितने 4 बजे शाम के 4 बजे से जो है ना वो ये जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है फेस्टिवल, और रात के 12 बजे तक है। तो आप लोग आएँ, खैर अभी तो 20 डेज तक है, तो आए इन्जॉय करें। और सीरियसली यहाँ पर आने के बाद जो है थोड़ा सा लग रहा है कि भाई घर के कामों से निकल कर आप थोड़ा फ्री होकर और आएँ। अच्छा, इसका एंट्री टिकट जो है ना वो 50 रुपीज़ है, और उन्होंने बच्चों का नहीं लिया, सिर्फ 2 लोगों का लिया है उन्होंने, तो मैंने इन्होंने दिया है अपना। तो क्या कहते हैं ना वो इन्जॉय ज़रूर करें, ज़रूर आएँ। और मैं बोलती हूँ माहौल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके ऊपर अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को किस तरीके से इन्जॉय करते हैं। हर चीज़ को हर तरीके से इन्जॉय करना सीखिए। मुझे डर लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन ये है कि बैठ जाएंगे मज़ा आएगा, और यहाँ पे बैठ जाते सुने हम दो मोटे तो इसी में आएंगे मुझे लग रहा है। मीसम हमारे साथ है तो मीसम थोड़ा डर, और हम सब बैठ गए इसके अंदर। सुलेमान देखो
और मुझे सीरियसली मैं बताऊँ आपको, मुझे डर लग रहा है क्योंकि ये इस तरीके से बना हुआ है और ना थोड़ा डर भी लग रहा है, लेकिन अल्लाह मालिक है। तो अभी हम लोग जो है ना वो बैठ गए, और सुलेमान डर तो नहीं लग रहा, डर तो लग रहा और मीसम को डर लग रहा है, मीसम का डर लग रहा है, मीसम देखे कैसे बैठा हुआ है। और अभी हम जब ये कोई सुलेमान जब उर्वा देखेगी तो क्या होगा, बहुत बुरा होगा। जो आधे लोग घर में, वो क्या जो आधे लोग घर में जब वो ये एंजॉय देखेंगे बस सही है, ठीक है। तो फिर हम लोग थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं, मुझे डर भी लग रहा है, लेकिन मैंने उनको बोला कि आप प्लीज़ स्लो चलाइएगा, क्योंकि ना पहले मैं राइड्स में बैठ जाती थी लेकिन अब मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझसे बैठा नहीं चाहता, तो इस वजह से ना मैंने कहा कि आप थोड़ा स्लो चलाइएगा और जल्दी से चला के बंद कर दीजिएगा इसको। तो वो भाई साथ रहे, जब स्टार्ट होगा ना तो फिर मैं आपको दिखाऊँगा। यहाँ पर जो है ना इतने कोई खूबसूरत फूल नज़र आए हैं, मतलब कि यहाँ पर जो असल जो मकसद होता है ना जश्न बहार का, वो यही होता है। इन्होंने बहुत कोई खूबसूरत इन्होंने फ्लावर्स जो है ना वो किए। अच्छा यहाँ पर जो है ना वो अंधेरा हो गया, तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें ज़बरदस्त फ्लावर्स हैं यहाँ पर, बहुत कोई खूबसूरत खूबसूरत इन्होंने फ्लावर्स बनाए हुए हैं, और मैं आपको आगे दिखाती रहती हूँ, ये देखें क्योंकि ये बाहर का सीज़न है, तो बाहर के सीज़न में जो है ना वो नए फूल, ताज़े फूल और बड़े ज़बरदस्त कोई फूल बनते, तो वो ये सारी जो इन्होंने वो यहाँ पर बनाए हुए बड़े ज़बरदस्त। कैसी लगी आपको आज की वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ये फेस्टिवल एंजॉय करने ज़रूर आए, बहुत मज़ेदार फेस्टिवल है, मुझे बहुत मज़ा आया। और मैं यहाँ पर अभी बैठी हूँ शिप के अंदर, और मैंने उनको बोला चलाइए करिए क्योंकि मुझे डर लगता है। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट के बगैर मैं आगे नहीं बढ़ सकती, आपसे मैं बार बार कह रही हूँ। और जब मैं ग्रो करूँगी तो मज़ीद अच्छी चीज़ें और मज़ीद अच्छी जगह है आपको दिखाऊँगी, क्योंकि बहुत मेहनत है, बहुत जाना पड़ता है, चीज़ें आपको दिखानी पड़ती हैं, लेकिन आप लोग का सपोर्ट है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ, उन सबका बहुत शुक्रिया। कमेंट करते उन सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। सांस फूल गई है क्योंकि मैं ऊपर चढ़ कर आई हूँ और घूम रही थी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुश रहने की कोशिश करें, जो है जैसा है उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करें, मेहनत करें, अपने आप को कामयाब बनाने की कोशिश करें। और जो औरतें अपने हस्बैंड का साथ दे रही हैं, जो उनके साथ कदम से कदम मिला के चलती है, चाहे वो घर हो, बाहर हो, जो भी हो, वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेड बात है। सबका ख्याल रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, शाद रहे, आबाद रहे अपने प्यारों के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।